नमस्कार फ्रेंड्स मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स काफ़ी बार हमें क्ले टाइल की रिक्वायरमेंट होती है और आज के तारीख़ में जो मैंगलो टाइल मिलती है इतनी ख़ास क्वालिटी के नहीं मिलती है और हम उसके बारे में बहुत मतलब हमें लगता है कि हमें कुछ अच्छी टा, टाइल चाहिए लेकिन उतनी अच्छी टाइल आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जो बहुत ही खास प्रोडक्ट है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है उसकी थोड़ा सा डिज़ाइन भी अलग है मैंगलो टाइल से ही हटके है और काफ़ी बढ़िया उसका फिनिशिंग वगैरह जैसे कि ये जो मटेरियल है ये प्योर मिट्टी है जैसे कि रेगुलर हमारी मैंगलो टाइल बनती थी बिल्कुल वही मिट्टी लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी फाइन मिट्टी यूज़ करके ये टाइल बनाई गई है जिसके जो फिनिशिंग है एकदम परफेक्ट आया है एकदम बढ़िया एकदम स्मूथ फिनिशिंग आया है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसकी जो डिज़ाइन है वो मैंगलो टाइल से कुछ हटके है और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई है उसके अगर साइज़ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ करीब साढ़े सोलह इंच मिलता है और यहाँ से यहाँ करीब मिलते हैं सवा दस इंच की टाइल उसका अगर ओवरलैपिंग एरिया अगर छोड़ देते हैं तो इफ़ेक्टिव एरिया जो मिलेगा यहाँ से यहाँ तक चौदह इंच मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक करीब सवा करीब नौ इंच तक मिल जाएगा अगर इसके स्क्वायर फीट एरिया कवरेज के बारे में बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 100 स्क्वायर फीट कवर करने के लिए करीब 125 पीस बैठेंगे इसमें और एक दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर चाहिए तो हम यहाँ पे इसको स्क्रू कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा करीब 10 एम mm एम के आसपास यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ ये हिस्सा है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर उठा हुआ है तो यहाँ पर ईजिली हम स्क्रू कर सकते हैं Uh, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे डबल ग्रू है जो कि सबसे uh, ज़्यादा इम्पोटेंट है जनरली किसी भी टाइल में अगर आज के तारीख में हम मैंगलो टाइल लेते हैं तो जनरली सिंगल टाइल सिंगल ग्रू वाली टाइल ही लेते हैं तो फिर हो सकता है कि इसमें से लीकेज होने के चांसेस है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल ग्रू पूरा यूज़ किया गया है और जिसकी वजह से लीकेज होने के चांसेस बराबर ना के बराबर ही है हंड्रेड ना के बराबर है तो ये सबसे बढ़िया टाइल है जनरली uh, हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बार ये हिस्सा जो रहता है टाइल का काफ़ी बार थोड़ा सा लो लेवल पे रहता है डेप्थ इसकी बहुत कम रहती है तो फिर जब भी विंड प्रेशर से पानी अंदर जाता है बारिश और पानी बारिश और हवा जब एक साथ में आ जाती है तो फिर इसमें से पानी कभी कभी घर के अंदर चला जाता है तो ये केस में यहाँ पर से पानी जाने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि इसका जो डेप्थ एरिया है करीब बीस एम के आसपास है तो फिर यहाँ से जो हवा से जो पानी जाने वाला है वो करीब ना के बराबर रहेगा दूसरा और एक बात है कि यहाँ पर अगर ये सामने वाला अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से उसको राउंड किया गया है जिसकी वजह से बहुत ही एक सुंदर उसको लुक प्रदान किया गया है जैसे भी टाइल बिठाई जाएगी तो आपको दिखने में उसकी जो लाइन लेवल या फिर उसका कवनेस बहुत ही बढ़िया दिखेगा यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात यह है ये टाइल के बीच की जो वैली दी गई है जो डेप्थ दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ दी गई है ये डेप्थ की डेप्थ की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो भी पानी निकल जाएगा वो आराम से स्मूथली निकल जाएगा ये डेप्थ जब भी कम रहेगी तो यहाँ से ग्रू से अंदर पानी जाने के बहुत ही चांसेस रहते हैं तो ये इसमें होने के चांसेस कोई भी नहीं है काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर डेप्थ दी गई है टाइल के पीछे के हिस्से में भी हम देख लेंगे यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो टाइल अटक जाती है फैब्रिकेशन के ऊपर या फिर सीमेंट पट्टी जब हम बनाते हैं उसके ऊपर जो अटक जाती है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अटक जाती है इसके लिए यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दी गई है करीब आठ से नौ एम तक ये अटकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये बहुत बढ़िया दिए है यहाँ पर एक सपोर्टिंग कुछ चैनल्स लगाए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है काफी जिसकी वजह से इसके इस स्टाइल की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी इसके ऊपर पैर रखने से या फिर कोई भी प्रेशर देने से इजीली ये टूटने वाली है नहीं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस स्टाइल में है इस स्टाइल की जो थिकनेस है वो करीब बारह एम एम के आसपास आती है और जो कलर्स आते हैं ये सेम ही कलर्स कलर्स में अवेलेबल है दूसरा कोई नहीं क्योंकि जनरली मिट, मिट्टी का नेचुरल कलर है तो फिर यही एक कलर में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी सेम स्टाइल के रिज के बारे में बात करेंगे हम यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये करीब सात इंच है यहाँ से यहाँ ग्यारह इंच है ओवरलैपिंग के बाद अपने पास दस इंच मिल जाती है काफ़ी बढ़िया है राउंड शेप में राउंड शेप का फायदा ये हो जाता है कि कौन से भी एंगल में आपका रूफिंग रहेगा तो फिर उसको एक मैच करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आपको ये टाइल कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर ऐसे वीडियो आपको बार बार देखने हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए मैं संतोष पाटिल संतोष रूपी के यूट्यूब चैनल से धन्यवाद फ्रेंड्स